अगर हम बात करें तो स्कॉटलैंड का टूर करना है नेपाल की टीम को, और वहां पर सामना होना है नामीबिया और स्कॉटलैंड के साथ, एक टीम जो सेकंड नंबर पर है और एक टीम जो नेपाल से एक पायदान यहां पर नीचे है। एक मैच का फर्क, दो मैच का फर्क जरूर है, लेकिन डेफिनेटली बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन होगा वहां पर नेपाल के लिए। बहुत सारी चीजों का टेस्ट होगा, बॉलर्स का टेस्ट भी होगा, बॉल्स का टेस्ट हर जगह होता है, और वो फ्लाइंग कलर से पास भी कर लेते हैं मोर मेजोरिटी ऑफ द टाइम। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है बैटिंग डिपार्टमेंट में। यहाँ पर भी जो यूएसए में हार मिली, वो दो हार जो मिली वो बहुत ही क्रूशियल बैटिंग के लिहाज से मिली है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा कि आखिर स्कॉटलैंड और नामीबिया के लिए किस तरीके का स्क्वाड होना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है, आइए आपको जानते हैं। पहले इस इंपॉर्टेंस को सुन लीजिए, उसके बाद अपनी जो स्क्वाड है उसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल, देखिए अभी जो नेपाल का अभी करंट जो हाल है, जी हाँ, जिस तरीके से वो है, लेकिन अपना ODI स्टेटस बचाने के लिए, जी हाँ, अभी 20 गेम्स रिमेनिंग है, जिसमें से मिनिमम 10 मैचेस नेपाल को जीतने हो, मिनिमम 10 मैचेस ODI स्टेटस बचाने के लिए, जी हाँ। और वहीं पर दूसरी तरफ देखें टॉप 3 में आ जाने के लिए, टॉप 3, जी हाँ, बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी कि 14 से 15 गेम्स आपको जीतने होंगे रिमेनिंग 20 में से टॉप 3 में जाने के लिए। तो आप खुद सोचिए कितना अपील टास्क है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल लिखा होता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, पर अपील टास्क जरूर। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिनिमम 10 से 11 मैचेस आपको जीतने होंगे ODI स्टेटस कम से कम सेव करने के लिए, और 15 करीब मैचेस जीतने होंगे आपको टॉप 3 में आने के लिए। तो क्या लगता है आपको कि क्या एक परफेक्ट स्क्वाड हो सकती है स्कॉटलैंड के कंडीशंस में, वहां पर जाकर स्कॉटलैंड और नामीबिया के बॉलर्स को आप जानते ही हैं बखूबी, उनके सामने सामना करना होगा जिस तरह की पिचेस को हमने देखा, आपने यहाँ यूएसए में भी देखा, स्पिन को हेल्प जरूर मिली, लेकिन दोनों ही राउंड में आखिर एक पेसर ही सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर निकले हैं। यूएसए में जाकर स्पिन को मिल भी रही थी, तो स्कॉटलैंड में डेफिनेटली आपको पेसर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल ग्राउंड और कंडीशन भी वहां पर होते हैं, क्लाउडी वेदर्स भी होते हैं, कई सारे मैच रेन अफेक्टेड भी हुए हैं। इन सब को देखते हुए, नेपाल की बैटिंग को देखते हुए, क्या लगता है आपको एक प्रॉपर 16 मैन स्क्वाड, ये आपको 16 ही बतानी है, 16 मैन स्क्वाड आपके हिसाब से आप क्या चाहेंगे कि स्कॉटलैंड का दौरा करे, जो कम से ज्यादा बेहतर से बेहतर रिजल्ट निकालने में कामयाब हो। कमेंट बॉक्स ओपन है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आप सब करिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या स्क्वाड देखना चाहेंगे 16 मैन स्क्वाड नेपाल की जो स्कॉटलैंड का दौरा करे। देखते हैं आखिर किन किन लोगों ने कितने कितने इफेक्टिव बेस से अपनी स्क्वाड बताई और क्या क्या चीजों का उन्होंने ख्याल रखा है, और आप चाहे तो अपने उसमें रीजंस भी दे सकते हैं कि मैंने इनको क्यों लिया है उस कमेंट बॉक्स में। प्लीज लास्ट में कमेंट करिए, बताइए कि 16 मैन स्क्वाड आपकी क्या होगी स्कॉटलैंड दौरे के लिए नेपाल क्रिकेट टीम की। आपसे ठीक 24 घंटे बाद हम अपनी तरफ से हमारी जो हमने सोच रखी ऑलरेडी बनाई हुई है डायरी में, हम सोचे थे कि पहले आप सबसे पूछ लें उसके बाद हम अपनी प्रेजेंट करेंगे, कल हम अपनी 16 मैन स्क्वाड आपके सामने शेयर करेंगे कि देखते हैं कितने किसके साथ मैच हो पाती है। फिलहाल